स्ट्रेस इंटरव्यू नहीं हुआ था, नॉर्मल सब्जेक्ट पे क्वेश्चन पूछे गए थे बेसिक। तो जो क्वेश्चन पूछा गया वह थारी जॉब पर पूछा गया या थारे कल्चर पर? बट मैंने सब्जेक्ट के कुछ स्किप किए, वहाँ सॉरी बोला है। आरपीएससी आना ही बड़ी बात है, आपके बैकग्राउंड से ही पूछेंगे, ऐसा कुछ अजीब नहीं पूछेंगे। यानी कि आप साड़ी पहन के गया तो साड़ी के बारे में भी? आरएस की तैयारी करें फ्लिक की डिजिटल नोट्स के साथ, जहां कंप्लीट थ्योरी एंड सभी क्वेश्चन क्यूआर कोड स्कैन करके देखें और पढ़ें अपने कंटेंट एक्सपर्ट से। अब नोट्स लिखने का समय बचाएं। फ्लिकी नोट्स ऑर्डर करने के लिए अभी फ्लिकी ऐप डाउनलोड करें और विजिट करें flicky.com या कॉल लगाएं। राम राम जी। मैं खुशबू झलको, मीडिया पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अजमेर के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग है बठे में आई हूँ और मेरे साथ में भी मैम ही सिरोही जिला से ही प्रीतिम कौर इनको नाम है। तो मैम नमस्ते। नमस्ते मैम। तो मैम सबसे पहले तो यहाँ बताओ कि आज थारो इंटरव्यू हो, इंटरव्यू के कुछ सवाल जवाब होया बन के बारे में बातचीत करूँगा। इंटरव्यू बोर्ड जो है काफ़ी कॉर्डियल है, अच्छे से आपको मतलब स्ट्रेस इंटरव्यू नहीं हुआ था, नॉर्मल सब्जेक्ट पे क्वेश्चन पूछे गए थे बेसिक, लेकिन ठीक ठाक हुआ है, सेटिस्फैक्ट्री इंटरव्यू था। अच्छा, तो आप पहले भी जॉब कर रहे होगे? पहले से? हाँ। क्या? मैं पटवारी हूँ। मैं? अच्छा, पटवारी। हाँ। तो आपकी सिरोही जिला के अंदर ही ड्यूटी है या? हाँ। तो यहाँ बताओ कि सबसे ज़्यादा थारा जो क्वेश्चन पूछा गया वह थारी जॉब पर पूछा गया या थारे कल्चर पर या और इंडिया के अंदर जो चल रहा है? नहीं, मेरा इंटरव्यू मोस्टली जॉब और मेरे सब्जेक्ट पर ही चला, केमिस्ट्री पर। तो के कुछ सब्जेक्ट पर मैं क्वेश्चन करें? बहुत बेसिक, जैसे कितने टाइप होते हैं केमिस्ट्री के, और जैसे एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, कार्बनिक अकार्बनिक केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है, बस नॉर्मल इतना। और जॉब के बारे में? जॉब में वही नक्शे होते हैं उनका, जैसे जो नक्शा होता है आप कैसे यूज़ करते हो, इस प्रकार के प्रश्न। इंटरव्यू ले रहे हैं तो कितना लोग आपके सामने? तीन या चार लोग। चार लोग हैं, चारों काफ़ी कॉर्डियल बिहेवियर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बन लोगों को कितनों के एक एक्सप्रेशन लग रहे हो फेस? ठीक था। हाँ, मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते, ज़्यादा बुरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं कहीं पे उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं आंसर दूंगी, बट मैंने सब्जेक्ट के कुछ स्किप किए, वहाँ सॉरी बोला है इसलिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट हो या दूसरा हो रहा है? ऐसे मतलब ऐसे तो पहला इंटरव्यू है लेकिन अटेम्प्ट दूसरा है। अच्छा, तो मॉक इंटरव्यू भी दिए हैं? नहीं, मॉक इंटरव्यूज नहीं दिए। अच्छा, तो पहला इंटरव्यू दिए, पहला इंटरव्यू दे के क्या फील हो रहा था अंदर? अच्छा लग रहा है, आरपीएससी आना ही बड़ी बात है ऑब्वियसली। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले ये बताओ कि थाने मोटिवेट कौन करया कि भाई आप ई फील्ड में जाओ? मैं पहले से प्रशासन में ही हूँ, इसलिए मोटिवेशन मिल ही जाता है आपके सीनियर्स से। जो भी क्वेश्चन आंसर होया बा के अंदर कुछ एक अलग हटकी भी कोई क्वेश्चन आंसर करोगे? नहीं, ऐसा कुछ अलग नहीं है कि जिसका आंसर आपको आए नहीं, ठीक है, आपसे जो आपके बैकग्राउंड से ही पूछेंगे, ऐसा कुछ अजीब नहीं पूछेंगे। तो बैकग्राउंड जो भी था साथ में क्वेश्चन करें फर्स्ट टू लेके लास्ट तक, बस आप बता सकते? मुझे सारे तो याद नहीं है, बट मेरा फर्स्ट मैं यही पूछा था कि आप क्या पढ़ के आए हो, फिर केमिस्ट्री के जैसे कितने टाइप होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, इस तरह के, और फिर मेरी जॉब पे चला इस तरह। और आप बातचीत करें तो सिरोही जिला का कल्चर है, सिरोही की जो भाषा है, सिरोही के बारे में भी कुछ पूछोगे? नहीं, सिरोही के बारे में कुछ नहीं पूछा, मेरा सिर्फ सब्जेक्ट और जॉब पे ही चला। अच्छा 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 अच्छा। यानी कि आप साड़ी पहन के गया तो साड़ी के बारे में भी कुछ पूछ? नहीं, कुछ नहीं। वो इस तरह के प्रश्न आप काफ़ी पूछ चुके हैं, मुझे लगता है आप नहीं पूछेंगे। और बैकग्राउंड के बारे में? बैकग्राउंड नहीं, बस जॉब ही बैकग्राउंड है आपका, और आपका एकेडमिक्स करियर ही आपका बैकग्राउंड है, और कुछ? तो मैम आप तैयारी करी ही तो घर से ही करी ही या कोई और? घर से ही करी है। घर से ही करी? जो और बच्चा और स्टूडेंट सोच रहे हैं आरएस के बारे में, तो भाई की तरीका हूँ तैयारी करी? देखो, जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तब तक किसी को नहीं देनी चाहिए सलाह, सभी अपनी अपनी मेहनत करते हैं, बट वो ये है, सिलेबस लो, पॉइंट टू पॉइंट कवर करो बस। बाकी प्रीलिम्स के लिए जैसे टेस्ट सीरीज देते ही है, लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए मेंस के लिए बस। जब मैम जय थे एंट्री कर रहा तो भी पहले और भी टाइम पर था अंदर की फीलिंग आ रही, क्या सोच रहा था? नहीं, ये जो बाहर थे अंकल वो मुझसे बात कर रहे थे तो मैं काफ़ी नॉर्मल फील कर रही थी। तो आज आपका पिताजी शायद साथ में ही? हाँ। पिताजी और सिस्टर? हाँ। तो वह की तरीका हूँ धन मोटिवेट? ऑब्वियसली घर में बहुत हेल्प करते हैं, पढ़ने के लिए टाइम देते हैं, अपने आप में मोटिवेशन है, इतने सालों तक पढ़ने अलाउ किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। लगातार वीडियो के माध्यम से देखे कि मैम आपने साथ में हाँ जो सिरोही जिला से प्रीतिम कौरन को नाम हो और बहुत ही क्वेश्चन आंसर ये बताएं आके साथ में जो क्वेश्चन आंसर होया, तो वीडियो शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम।